नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर आप सबके साथ, आप सबके सामने फेसबुक लाइव पे इस शहर के लिए कोरोना के विषय में और भी दो चार दूसरे विषय पे बातें करने के लिए आई हूँ। सबसे बड़ी चिंता का विषय जो आज मेरे सामने है, वो आज 10 केसेस कोरोना पॉजिटिव आए हैं, कल 7, आज 10, सिर्फ 2 दिन में 17 केसेस हमारे छोटे से मीरा भाईंदर शहर में पॉजिटिव होना, ये एक चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक ही जगह यानी हमारी शिवसेना गली से 7 कल, और 7 कल सभी वहां से नहीं थे, पर टोटल 7 या 9 शिवसेना गली से ही आए हैं। हम क्या करते हैं कि भले ही हम बाहर सब्जी लेने नहीं जाते, बाहर और कुछ चीज लेने नहीं जाते, लेकिन सोसाइटी में आपस में शाम को बैठ के गप्पे मारते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। हमें नहीं मालूम हमारी सोसाइटी में से कौन पॉजिटिव है, कौन कैरियर है, पर फिर हमें उनके सिम्टम्स नहीं दिखने की वजह से हम साथ में बैठ जाते हैं, कोई भी गेम्स खेलते हैं। मैंने अक्सर सोसाइटियों को ये कहते देखा है, ये करते सुना है कि हम टेरेस पे साथ में जाते हैं, बैठते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, और स्पेशली लेडीज की ये प्रॉब्लम रहती है कि शाम को 2 घंटे हम आराम से बैठ के या तो गेम खेलते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग में हाउसी की गेम खेल रहे हैं, दूसरी गेम खेल रहे हैं, और साथ में बैठना शुरू कर रही है। प्लीज ऐसा ना करें। कम से कम शिवसेना गली के इस उदाहरण के बाद मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि अपने अपने घरों में रहे, इवन सोसाइटी में भी आपस में ना मिले, एक फ्लोर के लोग भी एक दूसरे के घर पे जाना टाले या उनसे ना मिले। मैं फिर कहती हूं कि कोई पर्पजली नहीं करता। आप लोगों को शायद आपका पड़ोसी कैरियर है कि नहीं पता नहीं, कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत इनोसेंटली आप जाके बैठते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है जो ये शिवसेना गली में इतने सारे केसेस आने के बाद मालूम पड़ता है। एक ही जगह से इतने सारे केसेस आना सचमुच चिंता का विषय है। और एक चिंता का विषय आज ये था कि उत्तन जो अभी तक अछूता था, अभी तक एक भी पॉजिटिव केस उत्तन से नहीं आया था। उत्तन वरून मला एक ही पॉजिटिव आजपर्यंत आढळलं नव्हतं, आणि माझ्या मनात खूप खुशी होती की खूप चांगलं आहे का उत्तन वासींनी एवढं छान ते पाळलं आहे त्यांचा क्वारंटाईन किंवा होम लॉकडाऊन, कि त्यात तिथे एकही पॉझिटिव्ह केस नाही, पण आज पहिला पॉझिटिव्ह केस उत्तन वरून आढळला आहे, ते पण एक चिंताचा विषय आहे। मी उत्तन वासियांनाही कळकळीने विनंती करते की प्लीज आपापल्यात राहा, साथ भेटू नका, मिळू नका, आणि गप्पे मारायला मुळीच बाहेर येऊ नका। तुमच्याकडे फक्त एक केस झालाय, तुम्ही सांभाळलं तर दुसरा केस होणार नाही हे मी खात्री देते, पण त्यासाठी तुम्ही सर्वांनी खूप सांभाळायला पाहिजे। आणि परत कळकळीची विनंती आहे उत्तनवासियांनो, प्लीज तुम्ही आतापर्यंत सेफ राहिले आहे, आताही पुढे सेफ राहा। आताच मला शिवसेना गलीतले साई कॉम्प्लेक्स आणि बागेश्री पार्क मधून पण फोन आले होते की मॅडम तिथे लोक बिलकुल ऐकत नाही आहे, खूप पूर्ण गली भरलेली राहते आणि ते एक हॉटस्पॉट झालाय। म्हणून मी सर्व शिवसेना गलीला आणि पूर्ण शहरला हे माझी परत परत विनंती आहे का प्लीज घरी राहा, सेफ राहा। एक खूप छान शासन निर्णय आपण आज बघतोय, तर आज एक शासन निर्णय घेतलेला आहे गृहनिर्माण विभागातर्फे। गृहनिर्माण की तरफ से एक शासन निर्णय आज आया है कि जिसे 3 महीने तक भाड़ा नहीं भर सकते घर का, जो लोग 3 महीने तक भाड़ा भर नहीं सकते, उस घर मालिक ने कम से कम 3 महीने तक उनको घर से बाहर ना निकाले, उनको सहूलियत दे कि आप अपना भाड़ा 3 महीने के बाद भी भर सकते हैं। देखिए ये तो शासन निर्णय है, पर मुझे लगता है कहीं कहीं मानवता के नाते भी हमें ये करना चाहिए। मैं दिल से इस शासन निर्णय का वेलकम करती हूँ, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। मैं इस बारे में मुझे बात की थी और लिखा था, ये नहीं थी कि मैंने कहा और हो गया, लेकिन ये निर्णय जब किया तो मुझे दिल से अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छा निर्णय है, स्पेशली मीरा भाईंदर में
मिडिल क्लास लोगों के लिए या और भी बहुत सारे लोग जो भाड़े से रह रहे हैं, हमारे यहाँ ये ज्यादा संख्या में है कि लोगों का भाड़े से रहना हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। तो जो लोग भाड़े से रह रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज ये है कि आप 3 महीने अगर घर मालिक को भाड़ा नहीं देते हैं तो घर मालिक ने आपको निकालना नहीं है, लेकिन 3 महीने के बाद आपको भाड़ा जरूर देना है। दूसरी खबर जो एक बहुत अच्छी आई उद्योग और ऊर्जा विभाग की तरफ, जो रजिस्टर्ड कामगार है, जो रजिस्टर हुए हैं, उनको 2,000 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट डाले जाएंगे। देखिए, बहुत सारे मजदूर हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन किए हुए नहीं है। मैं शायद 2 साल से इस बारे में मेहनत कर रही हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी मजदूर हैं वो रजिस्टर हो जाए, पर किसी कारणवश वो रजिस्टर नहीं हुए हैं। तो ये सब खत्म होने के बाद मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि जो हमारे मजदूर भाई रजिस्टर नहीं है उन्हें भी अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ताकि आगे भगवान न करे फिर कोई ऐसी मुसीबत आती है और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे प्रशासन की तरफ से अगर कोई स्कीम ऐसी आती है तो मुझे लगता है कि उसका लाभ आप उठा सकते हैं, आपको भी वो फायदा मिल सकता है। और इसलिए मेरी भी मजदूर भाई बहनों से ये विनती है कि अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराए। ओके हमीदा जी, आप लिख रहे हैं स्ट्रिक्ट एक्शन फॉर दोज हु आर गैदरिंग इवन इन बिल्डिंग्स। मैंने वो ही कहा अभी, शिवसेना गले का उदाहरण देखे कि नहीं, एक साथ ना आए, अपने पड़ोसी से भी ना मिले। इसलिए प्लीज आप अपने अपने घर में रहें। इन दिनों 3-4 दिन से जो सबसे बहुत ज्यादा लोगों की क्यूरियोसिटी या ज्यादा लोगों का जो मुझे पूछना रहा है फोन पे, वो ये है कि रेशनिंग का क्या। बहुत सारे एक कह रहे हैं कि खबरें जो गलत हैं वो फैली हुई है। देखिए, मैं चाहती हूं कि मैं इन लोगों से, मैंने कल भी अपने FB अकाउंट पे ये डाला है कि किन्हें रेशन मिलेगा किन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन राशनिंग सबको मिलना है, बस समय का फेर है। वो लाभार्थी हैं जो हमेशा से राशन ले रहे हैं और जिनके कार्ड पे लिखा है कि ये लाभार्थी है, ये BPL है, उनको राशन मिल रहा है, 2 रुपए और 3 रुपए वाला राशन जो है वो उनको मिल रहा है, और 5 किलो चावल पर हेड, यानी घर में जितने सदस्य का नाम रेशनिंग कार्ड में डाला है उन सभी सदस्यों को 5 किलो चावल फ्री मिल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जो लाभार्थी नहीं है और जिन ऑरेंज कार्ड है उनको लगता है कि रेशन कार्ड उन्हें रेशन मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ वो अनाउंसमेंट हुई है। थोड़ी सी गैर समझ ये है कि सभी को राशनिंग मिलने वाला है जिसके ऑरेंज कार्ड है, लेकिन वो मई महीने से मिलेगा, 1 मई से चालू हो जाएगा, उनको भी राशन मिलेगा। 8 रुपए किलो गेहूं, 12 रुपए किलो चावल उन्हें भी मिलने वाले हैं। हालांकि मेरी तरफ से हमने ये रिकमेंड किया था कि हर एक कार्ड धारक को 10 किलो कम से कम चावल मिलने चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है तो हम दिल से उसको वेलकम करेंगे, पर आप केसरी कार्ड लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, मई महीने से आप सभी को राशन मिलने वाला है। और उसके बाद मैं चाहती हूं कि आपको ये राशन अगर कंटिन्यू करना है तो आप भी लाभार्थी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। कल ही मेरी मीटिंग जब राशन के ऑफिसर और राशनिंग दुकान के मालिकों के साथ हुई थी, तब मालिकों की एक फरियाद ये थी कि हमारे बार बार फोन करने पर भी ऑरेंज कार्ड धारक ने आके अपना आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया, और इसकी वजह से आप वो सभी राशन की दुकान के फायदे से वंचित रह रहे हो। इसलिए आप सबसे विनती है कि आप उसके बाद अपना आधार अपने राशन कार्ड से लिंक कराएं, ताकि आगे आपके राशन चालू रहे और वो आपको ऐसे समय में
मिलते रहे। तो आप प्लीज राशन कार्ड को लिंक करवाइए और ऑरेंज राशन कार्ड को जरूर से मई महीने से रेशनिंग मिलने वाला है। बिल्कुल चिंता की विषय नहीं है। आप अभी से रेशनिंग की दुकान में जाके गिरदी ना करें। जो लाभार्थी है उन्हें शांति से राशन लेने दे और मई महीने से आप सभी को भी राशन मिलने वाला है। और एक जो विषय था कि अब लोग काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि राशन कार्ड होल्डर के सकते हैं यहाँ से ले सकते हैं यहाँ से क्या दूसरी जगह के राशन? नहीं साहब, दूसरी जगह के राशन कार्ड आप दूसरी जगह पे ही ले सकते हैं। अपनी अपनी जगह से ही आपके राशन कार्ड मिलेंगे। दूसरी जगह के राशन कार्ड यहाँ नहीं चलेंगे। आपको जिस दुकान से राशन मिलना है या अभी तक आप लेते आए हैं वहीं से आपको राशन कार्ड मिलने वाला है। प्रतीक जी, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ऑर्डर दे कि 3 महीने की फीस माफ करे, वो लेटर मैंने दे चुकी हूँ। अगर आपको पता हो तो ये लेटर मैंने दिया है और मैं आशा करती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट बहुत जल्दी इस पे भी कोई निर्णय लेगी। देखिए, रोजाना कुछ ना कुछ अच्छे निर्णय आ रहे हैं, तो मैं स्कूल के बारे में भी आशा करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस बारे में भी निर्णय ले। राम लक्ष्मण जी, जरूर आपने बहुत अच्छा एक सजेशन दिया है। श्रवण जी, धन्यवाद। आदित्य पांडे, जांगीर होम के पास खाने की व्यवस्था की, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जांगीर होम के पास जो अभी अभी मैंने वहां उस दिन आई थी, चालू किया। थैंक यू वेरी मच आदित्य जी। और भी किसी को जरूरत हो तो जरूर जगह बताए कि वहां से उनको राशन या खाने की सुविधा हो चुकी है। 20 से कुछ ऐसे निर्णय आशीष जी आने हैं, देखते हैं कि वो आपकी इंडस्ट्री को लागू पड़ता है या नहीं लागू पड़ता है। यस नरेश जी, कंप्लीट लॉकडाउन अमेंड करना है एसेंशियल आइटम की। बहुत सारी सोसाइटी में हमने ये व्यवस्था की है कि घर पे उनके डिलीवरी आ रही है, खाना की भी जा रही है, भाजी की भी जा रही है। बहुत सारी व्यवस्था हुई है, कुछ व्यवस्था की कमी है हमारे यहाँ, वो भी बहुत जल्दी पूर्ण कर ली जाएगी। पर प्लीज आप घर से ना निकले, आपके घरों में जो भी चीज चाहिए वो पहुंचाने की व्यवस्था अपने अपने एरिया के किराना वालों ने की है, भाजी वाले की है, और हम भी अपनी तरफ कर रहे हैं। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है महेंद्र जी, उनको राशन नहीं मिलने वाला है, कार्ड पे राशन नहीं मिलने वाला है। तो 3 महीने लाइट बिल भी माफ कराएं। देखिए सर, अपनी तरफ से कोशिश जरूर करूंगी, लेकिन अगर होता है तो बहुत अच्छी है। शॉप का रेंट, देखिए घर गृह निर्माण निर्णय लिया है, शॉप वाले के लिए भी बहुत जल्दी निर्णय होगा। कार्ड लोगों को अभी तक ऐसा कोई घोषणा हुई नहीं है। अः अनिल जी, तो के स्कूल की फीस को 3 महीने वसूल करने का पहले हफ्ते शिक्षा मंत्री जारी किया है, वो जीआर अभी बहुत जल्दी प्रवेश भी हो जाएगा, उनकी तरफ से जारी हो गया है। तो स्कूल की फीस को भी 3 महीने तक वसूल ना का जीआर है, ये बहुत अच्छी आज की खबर आई है। जय जिनेंद्र, जयेश कोठारी जी, अच्छा जय जिनेंद्र कहा है, तो एक बहुत अच्छा अक्षय तृतीया आ रहा है 26 अप्रैल को। अक्षय तृतीया हिंदू के लिए, जैनों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। वर्षित तप के पारने वाले चाहते हैं कि उन पारना बहुत धामधूम से हो। हिंदू के लिए अक्षय तृतीया एक महत्व का दिन है, सोना वगैरह जो होता है। पर आप सबसे विनती है कि इस अक्षय तृतीया को सभी ने ये त्योहार अपने अपने घरों में ही मनाना है, घरों में रहना है, कहीं भी बाहर नहीं जाना है, एक दूसरे से नहीं मिलना है। अपने अपने घरों में बहुत खुशी से अपनी फैमिली के साथ इस त्योहार को मनाएं। और उसके जस्ट बाद मुस्लिम भाइयों का रमजान शुरू होने वाला है, और इफ्तारी आपको घर पे ही करनी है, नमाज भी अपने अपने घरों में ही करनी है। देखिए, इस साल
हमें अपने आप को संक्रमण से बचाने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। कोई भी त्यौहार तब खुशी से हम मना सकते हैं अगर हम स्वस्थ हैं, हमारे परिवार स्वस्थ है, हमारे पड़ोसी आजू बाजू वाले स्वस्थ हैं। अगर हम चलते हैं, अगर हम इकट्ठा नमाज के लिए जाते हैं, या हम इकट्ठा प्रार्थना के लिए अक्षय तृतीया के दिन जाते हैं, या इकट्ठा हमारे जैन भाई बहन वर्षी तप के पढ़ने के लिए जाते हैं, और अगर संकल्प लेके आते हैं, तो शायद वो भी आपकी ज्यादा नहीं टिकेगी। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, हेल्थ इज वेल्थ। तो आप सभी मेरे हिंदू और मुस्लिम भाई बहनों से विनती है कि आपके ये दो बड़े त्यौहार जो आ रहे हैं, बिल्कुल अपने अपने घरों में मनाइए, फैमिली के साथ मनाइए, आनंद आएगा। फैमिली के साथ त्यौहार मना के तो देखिए, बहुत सारा आएगा। स्माइल है जी, हाँ, आपका रमजान महीना है, और मैंने भी अभी उसके बारे में कहा कि रमजान महीने में आपको किस तरह की एहतियात बरतनी है। इफ्तारी में आप अपने घर वालों के साथ बिल्कुल इफ्तारी और सहरी दोनों घर में करनी है। सर, व्हाट अबाउट आशीष जी, रिलीफ टू सोसाइटी मेंटेनेंस? सोसाइटी मेंटेनेंस की रिलीफ आई डोंट थिंक सो के वो है। जावेद भाई बिल्कुल बिल्कुल सही, जावेद भाई आपने कहा है जान है तो जान है, बिल्कुल सही। भाजी की बीपी रोड से सैनिटाइज बिल्कुल जल्दी, बहुत जल्दी कर ली जाएगी। भाजी मार की बहुत सारे कंप्लेन में जो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, तो क्या है, देखिए भाजी मार्केट अगर चालू भी है तो मैं चाहती हूँ कि हम अपना डिसिप्लिन पाले, हम खुद सोशल डिस्टेंसिंग पाले, लाइन से जाए। हमारे बहने क्या कर है कि जितने भाजी के वेंडर्स वहां खड़े हैं, सभी के पास जाती है, सभी की भाजी देखती है, सभी के भाव पूछती है, और उसके बाद कहीं एक जगह से भाजी लेती है। देखिए मैडम, आपको नहीं मालूम कौन सा भाजी वाला वहां किस तरह से, कितने लोग वहां लोग आके गए हैं। आप अपनी सेफ्टी रखिए, अपने साथ एक सैनिटाइजर की छोटी बॉटल जरूर कैरी करें। लोगों ने मुझे कहा है कि भाजी मार्केट के बाद सैनिटाइजर रखे बाहर। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि ये काम भी होता है, लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान अपने आप रखना है। तो आप पर्स में छोटी सैनिटाइजर की बोतल कैरी करें, और जी लेने के पहले और बाद में अगर अपने हाथ को तो सैनिटाइज करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को भी बचा रही है और दूसरों को भी संक्रमण बचा रही है। तो प्लीज आप सैनिटाइजर अपने आप का ख्याल जरूर रखें। जैसल पार्क में सहायता लजिम जी, हमारा कम्युनिटी, देखिए राशन की बात करते करते एक बात में इन्होंने लिखा कि आपने वहां कम्युनिटी किचन चालू किया। हमने हर जगह कम्युनिटी किचन चालू किया है। जिस किसी भाई बहन को राशन कार्ड से अभी इस मेंशन नहीं मिला है, उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी जगह, हर प्रभाग में 7 से 8 सेंटर हमारा कम्युनिटी किचन का चालू हुआ है, और वहां से खाना बांटा जा रहा है। अपने नजदीक के सेंटर में कोशिश करें, वहां जाकर अपना खा ले, और बहुत नजदीक सेंटर कहीं ना कहीं, क्योंकि एक भाग में 7 या 8 है, तो मुझे लगता है आप घर से ज्यादा दूर सेंटर नहीं हो सकता। जिस किसी को जरूरत है खाने की, प्लीज वहां कम्युनिटी किचन जो चालू है, हमारे सेंटर है, वहां से आप अपने अपने खाने के डब्बे ले सकते हैं। आदित्य जी बिल्कुल, पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं, वो मैंने स्टार्टिंग में ही चिंता विषय है जताया था। घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। अरे राजेंद्र जी, आपने तो खुद ही उसका सॉल्यूशन दे दिया है कि प्राणायाम करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, अपनी तबीयत अच्छी रहेगी और टाइम भी अच्छा पास होगा। आनंद सिंह जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। प्रवीण जी, विक्रम जी, अजय अजय जी, अच्छा आप भी है, चेन्नई से जी आपने मुझे ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच। दीपेश जी थैंक यू। रेट ऑन बोर्ड एंट्रेंस ऑफ वेजिटेबल, यस वी कैन मेंशन, बट हमारा प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम रेट मेंशन करते हैं तो क्वालिटी देखने जाते हैं दूसरी गाड़ियों पे, उनको संतोष ही नहीं होता, लगता है कि दूसरी भाजी भी ज्यादा अच्छी वेराइटी है।
तो हमने वो भी करके देखा, बाहर रेड बोर्ड लगा के वो फाइनल नहीं हुआ जिसकी हमें आशा थी। तो ये सब मैंने कहा ना, अगर सेल्फ डिसिप्लिन है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहला वेंडर है उसके पास से भाजी लीजिए, दूसरे ने दूसरे के पास से जाना है, तीसरे नंबर वाले ने तीसरे के पास जाना है, और इस तरह से आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके भाजी ले सकते हैं। सभी पास एक सी आती है, अपनी पसंद की नहीं भी हो तो जो है उससे चलाना सीखिए। मैंने कहा असुविधा थोड़ी बहुत इन दिनों सभी को सहन करनी है, तो प्लीज सेफ रहिए। असुविधा संक्रमण से ज्यादा अच्छी है। हम सुविधा देखने जाएंगे, आराम देखने जाएंगे और संक्रमण लाएंगे तो ये शायद आपको भी मंजूर नहीं होगा। थोड़ी सी असुविधा सहन लीजिए लेकिन स्वस्थ रहने का आनंद उठाइए। सभी से एक बार फिर विनती करती हूँ, स्वस्थ रहिए। आप सबके भी स्वास्थ्य की मैं कामना करती हूँ, मंगल कामना। मैं भगवान से ये कोशिश ये प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, और बिल्कुल रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये प्रार्थना भी भगवान जरूर सुनेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपन सर्वांना खूब 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 कड़कड़ी से विनंती है, घरी रहा, सेफ रहा, आणि नमस्कार।